आज की हमारी मूवी है मामा, जो कि आई थी 2013 में। आईएमडीबी पर इसकी रेटिंग है 6.2। इस मूवी में दिखाया गया है कि आखिर किस तरह से मामा मरने के बाद भी दो छोटी बच्चियों की देखभाल एक माँ की तरह करती है, पर वो उन सबको मार देती है जो भी बच्चियों के पास जाता है। तो हेलो गाइस, दिस इज मूवीज बग और कीड़े हैं हम, और हमारी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे सब्सक्राइब वाले कीड़े को प्यार से छूकर हमारी कीड़ा घंटी बजा दे। अगर ये सब कर लिया है तो बिना किसी देरी के गेट सेट स्टार्ट। इस कहानी की शुरुआत होती है जेफरी से। वो अपनी छोटी बच्ची लिली को गोद में उठाता है और अपनी बड़ी बच्ची विक्टोरिया को उसका चश्मा देता है और तेजी से गाड़ी चलाते हुए बर्फ से भरे हुए हाईवे पर निकल जाता है। विक्टोरिया उसे बार बार कहती है, पापा आप बहुत तेज जा रहे हो। जेफ उसे गुस्से में शट अप बोलता है, पर इतने में उसका कंट्रोल गाड़ी से छूट जाता है और गाड़ी फिसलकर सीधा खाई में गिर जाती है। दूसरी तरफ हमें लुकस दिखाई देता है, जो कि जेफरी का जुड़वा भाई था। वो पुलिस के पास जाके पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। तब पुलिस वाला बताता है कि जेफरी ने उसकी बीवी को मार दिया है और बच्चों को लेकर फरार हो गया है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें पता चलता है कि जेफ और बच्चे सुरक्षित हैं। वो जंगल में आगे बढ़ते हैं तो उन्हें आगे कॉटेज दिखाई देता है, पर तभी विक्टोरिया को खिड़की में कोई दिखाई देता है, पर वो सही से देख नहीं पाती क्योंकि उसका चश्मा टूट गया होता है। वो घर दिखने में काफी पुराना था, इसलिए जेफ एक कुर्सी को तोड़कर सर्दी से बचने के लिए आग जलाता है और अंदर कमरे में जाके रोने लगता है और खुद को मारने की कोशिश करता है, पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। वो अपनी बच्ची के पास जाता है, तब विक्टोरिया पूछती है, पापा आप रो क्यों रहे हो। तब वो विक्टोरिया को हग करता है और उसका चश्मा ले लेता है। फिर वो विक्टोरिया को खिड़की से बाहर हिरन देखने के लिए कहता है। जैसे ही विक्टोरिया टर्न होती है, वो विक्टोरिया के सर के पीछे बंदूक तान देता है और वो जैसे ही गोली चलाने वाला होता है, तभी पीछे से एक काला साया जेफ को हवा में उठा देता है और उसे वहीं मार देता है। पर विक्टोरिया कुछ भी सही से देख नहीं पाती, उसे सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई देता है। रात के वक्त दोनों बच्चे आग के सामने बैठे हुए होते हैं, तभी अंधेरे में एक चेरी उनके पास आकर रुकती है। लिली चेरी को उठाकर विक्टोरिया को दिखाती है, तभी दोनों बच्चों को मामा दिखाई देती है। दीवार पर की हुई पेंटिंग्स के जरिए हमें दिखाया जाता है कि मामा इन बच्चों को अपने बच्चों की तरह पाल रही है। इसके बाद कहानी 5 साल बाद की दिखाई जाती है और हमें दिखाई देता है कि लुकस और उसकी गर्लफ्रेंड एनाबेल एक साथ एक छोटे से घर में रह रहे हैं। लुकस अभी भी अपने भाई और बच्चों को ढूंढ रहा होता है और इसके लिए उसने कुछ लोग भी लगा रखे थे। वो लोग भी अब हिम्मत हार रहे थे, पर लुकस उन्हें एक बार और लास्ट टाइम सर्च करने के लिए कहता है। वो लोग उसी जंगल में पहुंचते हैं जहां जेफ की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। थोड़ा सा आगे जाने के बाद उन्हें फाइनली वो कॉटेज मिल जाता है। जब वो गेट खोल के देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें चार पैरों पर चलने वाली दो बच्चियां दिखाई देती है, जो कि काफी डरावनी और भयानक लग रही थी, क्योंकि 5 साल मामा के साथ रहने के कारण वो दोनों बच्चियां चेंज हो जाती है। उन दोनों बच्चियों को वहां से बचा लिया जाता है और डॉक्टर ड्रेफस की देखभाल में रखा जाता है। डॉक्टर लुकस को बताता है कि विक्टोरिया के ठीक होने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि विक्टोरिया को बोलना आता है, पर लिली का ठीक होना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इन 5 सालों में उसने कुछ भी नहीं सीखा है। तब डॉक्टर लुकस को विक्टोरिया का चश्मा देता है, जिसे लेकर वो अंदर जाता है। लुकस विक्टोरिया से बात करने की कोशिश करता है, पर विक्टोरिया उस पर हमला कर देती है। तब लुकस उसे चश्मा देता है, जिसे पहनने के बाद विक्टोरिया को सब दिखाई देने लगता है। वो लुकस को अपना पापा समझकर गले लग जाती है। तब लुकस उसे बताता है कि वो पापा नहीं, उसका अंकल है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है कोर्ट रूम में। वहां डॉक्टर ड्रेफस बताते हैं कि 5 साल अकेले रहने के कारण बच्चों की मेंटल हेल्थ पर काफी ज्यादा असर पड़ा है और इन बच्चों ने अकेलेपन से डील करने के लिए एक इमेजिनरी फ्रेंड बनाया है, जिसे ये मामा कहते हैं। पर अगर इन्हें सही प्यार और सही केयर मिलेगी तो ये बच्चे अच्छी जिंदगी जी पाएंगे। तब इन बच्चों की आंटी इन दोनों बच्चों की कस्टडी लेने की बात कहती है, क्योंकि वो काफी रिच होती है। पर लुकस और एनाबेल जैसे तैसे अपना खर्चा चला रहे होते हैं और जो घर इनके पास होता है वो बच्चों के लिए काफी छोटा है। तब डॉक्टर ड्रेफस लुकस और एनाबेल को एक रेंट फ्री घर देने का ऑफर देता है, पर इस कंडीशन पर कि वो विक्टोरिया और लिली के साथ अपने सेशन कंटिन्यू कर पाए।
जिसके लिए लुकस और एनाबेल मान भी जाते हैं और इसके बाद उन्हें बच्चों की कस्टडी मिल जाती है। इसके बाद लुकस, एनाबेल और बच्चे एक साथ नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं। इधर डॉक्टर ड्रेफस भी मामा के बारे में जानकारी जुटा रहे होते हैं। उन्हें एक 1978 की लॉग बुक के बारे में पता चलता है। अगली सुबह दोनों बच्चे क्रेयॉन से दीवार पर पेंटिंग बना रहे होते हैं, तभी वहां पर एक ब्लैक मॉथ यानी कि काला पतंगा आ जाता है, जिसे देखकर लिली समझ जाती है कि मामा वहां आ चुकी है और वो मामा के साथ खेलने लगती है। मामा के आने की वजह से पूरे घर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएशन होने लगता है और उसी वक्त एनाबेल किचन में जाती है, तभी लाइट चली जाती है और लिली पीछे से आकर उसे डरा देती है। एनाबेल को ऑलरेडी ही बच्चों से प्रॉब्लम होती है और लिली जैसी बच्ची को संभाल पाना उसके बस के बाहर होता है और ये सारी बातें एनाबेल लुकस को बताती है, पर लुकस उसे प्यार से समझाता है कि ये बच्चियां उसके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा समझाने के बाद एनाबेल मान जाती है और इसके बाद ल्यूक और एनाबेल दोनों इंटीमेट होते हैं, पर एनाबेल को लगता है कि कोई उन्हें देख रहा है, जिस पर लुकस घर को चेक करने लगता है। तभी लुकस को दीवार पर ब्लैक होल दिखाई देता है जिसके जस्ट पास में एक ब्लैक मॉथ होती है। लुकस धीरे धीरे ब्लैक होल के पास जाता है, पर तभी मामा उस होल से निकलकर लुकस को धक्का मार देती है और वो नीचे गिर जाता है और सीधा कोमा में पहुंच जाता है। मामा लुकस पर हमला इसलिए करती है क्योंकि लुकस और उसके भाई जेफ की शक्ल लगभग सेम होती है और मामा को लगता है कि लुकस भी बच्चियों के लिए खतरा है। एनाबेल लुकस के साथ हॉस्पिटल में थी। डॉक्टर ड्रेफस उसे बताता है कि ये कोमा टेम्पररी है और जल्द ही लुकस को होश आ जाएगा। अब बच्चों की देखभाल की पूरी जिम्मेदारी एनाबेल के कंधों पर आ जाती है। वो घर आकर डॉक्टर ड्रेफस को दीवार पर की हुई पेंटिंग दिखाती है जो बच्चों ने की थी। तभी डॉक्टर को एक कॉल आता है और उन्हें जाना पड़ता है। आगे हम देखते हैं कि विक्टोरिया में काफी इंप्रूवमेंट है, पर लिली की कंडीशन अभी भी वैसी की वैसी है क्योंकि एनाबेल अभी तक उन बच्चों के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं बना पाई है। डॉक्टर ड्रेफस की सेक्रेटरी उन्हें एक बॉक्स लाकर देती है जिसमें मामा के केस से जुड़े हुए कुछ फोटोग्राफ्स और डॉक्यूमेंट होते हैं। तब वो सेक्रेटरी डॉक्टर से पूछती है कि क्या भूतों में विश्वास करते हैं। तब डॉक्टर कहता है कि मैं कह नहीं सकता कि मैं करता हूं। तब वो बताती है कि जब हम किसी शरीर को ऐसे ही बाहर छोड़ देते हैं तो वो सड़ जाता है और नेचर उसे बदल देती है और फिर जन्म होता है भूत का, जो एक इमोशन है और वो तब तक लौट कर आता है जब तक जो गलत हुआ है वो सही ना हो जाए। इसके बाद एनाबेल को बच्चों के रूम से लोरी की आवाजें सुनाई देती हैं और उसे हर पल अपने पास किसी के होने का एहसास होता है। इधर हॉस्पिटल में लुकस को जेफरी का सपना आता है जो इशारे से लुकस को बच्चियों को बचाने के लिए कह रहा होता है और कोमा से बाहर आ जाता है। दोनों बच्चे और एनाबेल उससे मिलने के लिए जाते हैं। एनाबेल लुकस को दबे आवाज में बताती है कि दोनों बच्चे उससे नफरत करते हैं और वो चाहती है कि लुकस जल्द से जल्द ठीक होकर घर आ जाए। तभी हम देखते हैं कि लिली लुकस के बेड के नीचे बैठकर ब्लैक मॉथ को खा रही होती है, विच क्लियरली शोज कि लिली को किसी भी चीज की कोई भी समझ नहीं है। इसके बाद सब घर में आ जाते हैं और हम देखते हैं कि विक्टोरिया बाथरूम में एक डब्बे को खोलने की कोशिश कर रही होती है, पर तभी एनाबेल आकर उसकी हेल्प करती है, जिस पर विक्टोरिया रोते हुए कहती है, तुम ये नहीं कर सकती, उसे जलन होती है। एनाबेल विक्टोरिया से पूछने की कोशिश करती है पर विक्टोरिया वहां से चली जाती है। इसके थोड़ी देर बाद बच्चों की आंटी जीन वहां आ जाती है और लिली के चेहरे पे खरोचे देखती है। उसे लगता है कि एना बच्चों को मारती पीटती है। वो बाहर जाकर चाइल्ड सोशल सर्विस में कंप्लेन कर देती है। उसी रात को डॉक्टर ड्रेफस विक्टोरिया के साथ अपना सेशन करने के लिए घर पे आते हैं और विक्टोरिया को एक तस्वीर दिखाकर पूछते हैं कि क्या ये मामा है। तब विक्टोरिया उन्हें वहां से जाने के लिए कहती है। डॉक्टर ड्रेफस पलट कर देखते हैं तो उन्हें दीवार पर एक बड़ा सा ब्लैक होल देखने को मिलता है। तब हमें पता चलता है कि इसी पोर्टल के जरिए ये वाला घर और वो जंगल वाला कैबिन दोनों कनेक्टेड है और मामा इसी के जरिए आया जाया करती है। डॉक्टर बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है और जंगल में उस घर में जाता है जहां पर मामा होती है। वहां उसे सेम वैसा ही ब्लैक होल दिखाई देता है जैसा एनाबेल के घर में था। तभी उसे अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। घर में लाइट ना होने के कारण वो कैमरे के फ्लैश से देखने की कोशिश करता है। हर फ्लैश के साथ मामा और करीब आती हुई दिखाई देती है और डॉक्टर को मार देती है। अगली सुबह एनाबेल अपने बेड पे होती है और उसे मामा का सपना आता है। तब हमें पता चलता है कि मामा एक पागल थी और एक नन से बच्चा चुराकर भाग जाती है और जब लोग उसका पीछा करते हैं तो वो बच्चे को लेकर खाई में कूद जाती है, पर खाई में कूदते वक्त
उसका बच्चा उससे दूर हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी आत्मा भटक रही होती है। रात को लिली विक्टोरिया को अपने और मामा के साथ खेलने के लिए उठाती है, पर विक्टोरिया मामा के पास नहीं जाना चाहती थी। इस पर लिली उससे गुस्सा हो जाती है और रात को लिली मामा को ढूंढते हुए बाहर ही गार्डन में सो जाती है। सुबह एनाबेल लिली को गार्डन से उठाकर घर के अंदर ले आती है, पर लिली उसे दूर भागने की कोशिश करती है, पर एनाबेल उसकी केयर एक माँ की तरह करती है। तब लिली शांत हो जाती है, पर विक्टोरिया को डर लग रहा था कि ये सब मामा देख ना ले। एनाबेल को भी धीरे धीरे मामा को लेकर शक हो रहा था। वो विक्टोरिया से प्यार से मामा के बारे में पूछती है तो विक्टोरिया सब बता देती है। तब एनाबेल डॉक्टर ड्रेफस को कॉल लगाती है, पर कोई आवाज ना आने पर वो समझ जाती है कि कुछ गलत हुआ है। वो डॉक्टर के ऑफिस जाकर विक्टोरिया, लिली और मामा के फाइल्स वाला बॉक्स घर लेकर आ जाती है। इधर लुकस भी अपने सपने वाली जगह को ढूंढ रहा होता है और वहां पहुंच जाता है। एना डॉक्टर ड्रेफस की सारी फाइल पढ़ती है, तब उसे पता चलता है कि मामा पागलखाने की पेशेंट थी। उसे मॉर्फिन सिंड्रोम था। इस बीमारी में पेशेंट की हड्डियां जरूरत से ज्यादा लंबी हो जाती हैं, जिससे वो काफी अजीब दिखते हैं। तब एना को मामा वाले सपने का मतलब समझ में आता है कि उसके सपने में आई औरत मामा थी और वो आज भी अपने बच्चों को जंगल में ढूंढ रही थी। और अब मामा को विक्टोरिया और लिली में ही अपना बच्चा दिखाई देता है। ये सब जानकर एनाबेल रोने लगती है। तब विक्टोरिया पास में आकर एनाबेल को गले लगाती है, पर लिली इशारे से ऐसा करने से मना करती है क्योंकि ये मामा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मामा को इन सब चीजों से जलन होती है और उसी रात को बच्चों को डराने के लिए वो उनके सामने आ जाती है और उनके पीछे पीछे भागने लगती है। तब बच्चे डर कर चिल्लाते हैं और एक कमरे में भाग जाते हैं। तब एनाबेल उनके पास आती है, जिसे देखकर मामा एनाबेल पे अटैक कर देती है, पर विक्टोरिया के कहने पर वो एनाबेल को छोड़ देती है। वहीं उसी वक्त बच्चों की आंटी जीन वहां आ जाती है, जिसे मामा मारकर पोजेस कर लेती है और बच्चों को वहां से ले जाती है। तब एनाबेल को होश आता है और वो बच्चों को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। उसे रास्ते में लुकस मिलता है, जिसे लेकर वो कैबिन में पहुंच जाती है। वो दोनों कैबिन की तलाशी लेते हैं, पर बच्चे वहां नहीं होते। तब ल्यूक एनाबेल को उस खाई के पास लेके जाता है, जहां से मामा ने कूदकर अपनी जान दी थी। लिली धीरे धीरे खाई की तरफ बढ़ रही थी और खाई के थोड़ा सा आगे मामा बाहें फैलाए उसका इंतजार कर रही थी। तभी ल्यूक कूदकर लिली को गिरने से बचा लेता है। तब मामा ल्यूक को जान से मारने वाली ही होती है कि तभी एनाबेल मामा को एक कपड़े में लिपटा हुआ बच्चा देती है, जो मामा का होता है, जिसे हाथ में लेके देखने के बाद मामा का वो भयानक सा रूप बदल जाता है और वो धीरे धीरे इंसान बन जाती है। वो जाने लगती है, पर तभी पीछे से लिली उसे आवाज लगाती है, मामा। बस ये सुनते ही मामा का रूप फिर से भयानक हो जाता है और वो अपने बच्चे की अस्थियों को वहीं फेंक देती है और सामने आकर सबसे पहले ल्यूक को मारती है और उसके बाद एनाबेल को अपने साथ हवा में करीब 20 फीट ऊपर लेके जाती है और नीचे फेंक देती है। लिली मामा के साथ खेलने लगती है और मामा भी लिली को देखकर खुश हो जाती है, पर विक्टोरिया एनाबेल के पास जाकर उसे अलविदा कह के आती है। मामा लिली और विक्टोरिया को लेकर खाई की तरफ बढ़ने लगती है, पर एनाबेल हार नहीं मानती। वो रेंगते हुए आगे बढ़ती है, पर मामा उसका सर जमीन पर टिकाकर उसे वहीं रुकने के लिए कहती है और बच्चों को लेकर आगे बढ़ जाती है। पर तभी एनाबेल अपना हाथ आगे बढ़ाकर विक्टोरिया के रूप का लेस पकड़ लेती है और फिर उसके पैरों को जकड़ लेती है। तब विक्टोरिया मामा को गुड बाय कहती है और मामा से कहती है, मामा आई लव यू। लिली विक्टोरिया को अपने साथ चलने के लिए कहती है, पर मामा लिली को अपने बाहों में भरती है और नीचे खाई में कूद जाती है। इससे पहले कि वो पानी को टच हो, वो ब्लैक मौत में बदल जाते हैं, जो हमें दिखाता है कि लाइफ कभी भी नष्ट नहीं होती, वो बस अपना रूप चेंज करती है। इसके बाद ल्यूक को भी होश आ जाता है। वो आगे आकर विक्टोरिया और एनाबेल को गले लगा लेता है। तो ये थी कहानी मामा की। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी मेहनत जरा सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट मूवी के साथ। टिल देन, कीड़े हैं हम।